आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा Redmi Note 13 5G फ़ोन है, तो Redmi Note 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन लाइट है, तो नोटिफिकेशन लाइट को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं Redmi Note 13 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशन लाइट को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे लाइटिंग को नोटिफिकेशन एंड कॉलिंग्स पे शो कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से शो हो रहे हैं, तो स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं और आप इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे, तो सिंपली आपकी फ़ोन की सेटिंग से शो हो रही है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना है फ्लैश बिन रिंगिंग। तो इस पे जाकर आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसको यहाँ से इनेबल यानी ऑन कर देंगे, तो ऑन करती जो भी लाइटिंग है नोटिफिकेशन एंड कॉलिंग्स पे शो हो जाएगी, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और लाइटिंग आपकी नोटिफिकेशन एंड कॉलिंग्स पे ब्लिंक करेगी। कि इस तरीके से अपने फ़ोन में नोटिफिकेशंस की लाइट को आप इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप रिंगटोन वॉल्यूम को वॉल्यूम बटन्स के जरिए इंक्रीज कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। एंड आप क्विक फिंगर लिफ्टेड का यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे इनकमिंग कॉल वगैरह को मतलब इंक्रीज को राइज कर सकते हैं, यानी कॉलिंग वॉल्यूम्स को इंक्रीज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड आप ऑफ़ करते हैं तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से नोटिफिकेशन लाइट को भी ऑफ़ कर सकते हैं। एंड आप ऑन करना चाहें तो ऑन भी आप कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं Redmi Note 13 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।